जा सकती है। पहले जब घरों में लोगों के पास फोन का साधन नहीं था, तब पत्र ही बातचीत के द्वारा पत्र ही बातचीत का एक माध्यम था। पत्र के द्वारा हम अपने मन के भावों को ठीक तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को व मित्रों को लिखे जाते हैं, दूसरे वे जो किसी अफसर या प्रधानाचार्य को या समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाते हैं। पहले वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र यानी कि जो हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र जिन्हें हम कार्यालय में लिखे जाते हैं। पत्र अब किस तरह से पत्र पूरा देखो, हमें किस तरह से बाईं ओर से पत्र लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ये आजकल का प्रारूप है। और सबसे ऊपर हमें पत्र लिखना चाहिए कि किस जगह लिख रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपने विद्यालय प्रार्थना पत्र लिखा तो उसमें विद्यालय का लिखा है। जैसे आप अभी अपने मित्र को लिख रहे हो तो मित्र का को अभिवादन लिखो, पत्र लिखो लिखोगे तो मित्र का पहले पता लिखोगे और फिर आप अभिवादन लिखोगे कि प्रिय मित्र या प्रिय, अगर जिस तरह से अपने भाई बहन को लिखते हो तो प्रिय भैया या दीदी, इस तरह से आप लिखोगे। तो सबसे ऊपर अपना पता लिखें, फिर पत्र की तारीख लिखें, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन लिखें और उसके बाद अभिवादन लिखें, विषय और पत्र का विषय जो बातें हमें लिखनी है बीच के अंदर, ठीक है, और पत्र पाने वाले के साथ उसका संबंध लिखें और अपना नाम और जो भी हमें लिखना है लिखा हमें डाल सकते हैं। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो तो वह इस प्रकार से अपन लिखेंगे। मान लो प्रार्थना पत्र लिखनी है, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए या 4 दिन की छुट्टी चाहिए या किसी कारणवश चाहिए, तो वो विषय में डाल सकते हैं, विषय लिखे और हम लिख सकते हैं, ऊपर भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो सेवा में लिखेंगे, उसके बाद श्रीमती प्रधानाचार्य जी, उसके बाद स्कूल का नाम, फ्यूचर फाउंडेशन का स्कूल, गाँव का नाम और जिले का नाम, ठीक है। फिर विषय हम लिखेंगे कि शादी में जाने पर अवकाश हेतु, या और भी विषय हो सकता है जैसे टीसी पर टीसी लेने के लिए या फीस माफी के लिए, जो भी आप लिख सकते हो। और फिर महोदया जी, महोदय लिखेंगे तो अगर प्रधानाचार्य है, चार्या नहीं है तो महोदय लिखेंगे, प्रधानाचार्य है तो महोदया जी लिखेंगे, ठीक है। जैसे छात्र छात्रा, महोदय महोदया, अध्यापक अध्यापिका, तो अपन इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं शब्दों का। फिर लिखेंगे सह विनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक, जो भी दिनांक है वो जयपुर में है या जहाँ जिस जगह भी है तो उस गाँव का नाम लिख लो, और या जो भी आपके भाव है वो इसमें आप लिख सकते हैं। इसलिए मैं शाला में उपस्थित नहीं हो सकता, मुझे इतनी दिनांक से इतनी दिनांक तक और इतने दिन की छुट्टी चाहिए ना, वो आप लिख सकते हो, तो उपस्थित नहीं हो सकता, अतः मुझे दिनांक जो भी है
लसक से ला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको आशा है आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।